ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के हमारे इस कोर्स में हम लेक्चर सेवन के सेकेंड पार्ट में पहुँच गए हैं और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने देखा पिछले पार्ट में हमने देखा कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैसे मशीन लर्निंग का एक का एक अहम हिस्सा है हम मशीन लर्निंग एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जनरली लिख के चालू करते हैं और आज हम देखेंगे इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उसमें एक उसका जो सबसे बड़ा कोर जो उसका अहम हिस्सा है मुख्य हिस्सा है कोर है वो है उस ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का ग्रेडियंट यानी कि उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव और जब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स स्पेशली जो बड़े मशीन लर्निंग एलगोदम्स हैं वो एक ग्रेडियंट के आसपास फंक्शन के ग्रेडियंट के आसपास चलते हैं तो किसी भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोदम को समझने के लिए फंक्शन का ग्रेडिएंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना कंप्यूट करना उसे कोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ग्रेडिएंट ढंग से निकालना सीख जाते हैं चाहे वो लीनियर फंक्शन हो नॉन लीनियर फंक्शन हो न्यूरल नेटवर्क हो डीप न्यूरल नेटवर्क हो या किसी किसी भी दूसरे तरीके का नॉन लीनियर फंक्शन हो कॉन्वेक्स हो नॉन कॉन्वेक्स हो अगर आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लिखना सीख जाते हैं उसे कंप्यूट करना सीख जाते हैं तो आपको आधा ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही आ जाता है और ख़ासकर जो बड़ी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स है जिसमें डेटा साइज़ बहुत हीवी होता है वहाँ तो ग्रेडियंट का रोल और ही बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन की भाषा में कहते हैं सेकेंड ऑर्डर मेथड्स यानी ऐसे मेथड्स जहाँ पे ग्रेडियंट का ग्रेडियंट यानी डबल डेरिवेटिव की जरूरत होती है वो काम नहीं करते हैं तो आपको सिंगल डेरिवेटिव से काम चलाना पड़ता है तो चूंकि मशीन लर्निंग के बहुत सारे प्रॉब्लम सिंगल डेरिवेटिव डेरीवेटिव बड़े होते हैं और इसलिए वहां पे सिंगल डेरिवेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आज और अगले लेक्चर में भी हम इसी पर बात करेंगे इनफैक्ट अब तो अगर आप मॉडर्न जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए और मशीन लर्निंग में जैसे पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो वगैरह वगैरह इनमें तो ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है तो हम वो भी देखने वाले हैं कि कैसे ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रेडियंट निकालना सीखना नहीं है बिना ग्रेडियंट निकाले सीखे आप वो उस कैलकुलेशन को भी ढंग से समझ नहीं सकते हैं ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्रेडियंट निकालना खुद सीख जाते हैं अच्छे से तो आप कई बार अपना खुद का कोड लिख सकते हैं जो कि इन ये जो टूल्स अवेलेबल हैं उनसे कई आपको ज़्यादा सहूलियत देता है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपका खुद का कोड तो मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगा फिर से इसे दोहराऊंगा कि ग्रेडियंट निकालना किसी भी फंक्शन का एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे वो मशीन लर्निंग का हो चाहे कि वो किसी भी एरिया का हो उसे सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर उसी पे फेस्ड है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन यू you नो know, इस लेक्चर का टॉपिक हम ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन लिख दिए हैं और ये ऑप्टिमाइजेशन का कोर पार्ट है और आ, हम आ, आपने सुना भी होगा लेकिन हम देखेंगे भी कि जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है जिस पे हम बहुत बात करने वाले हैं जिसके बहुत सारे वेरियंट्स हम देखने वाले हैं ग्रेडियंट डिसेंट में ग्रेडियंट सबसे मेन पार्ट है फिर हम डिसेंट की बात करेंगे इसलिए आज के लेक्चर में हम अपने फिर से हम मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज की तरह पे आते हैं और हम वेक्टर कैलकुलस का रिवीजन करेंगे लेकिन हम वेक्टर कैलकुलस का जो रिवीजन करेंगे उसमें हम ऐसे ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे जो हमारे लिए आ, जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन में बार बार आते हैं तो हम उनका उनका उदाहरण देंगे तो इस तरह आप इस रिवीजन में इस तरह आप ऑलरेडी वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हम आगे करने वाले हैं तो आगे चल के हम सिर्फ एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे और ग्रेडियंट पे नहीं करेंगे ग्रेडियंट हम अभी कर लेंगे ठीक है तो जैसे कि हमने बात पिछली बार बोला था कि कि ऑप्टिमाइजेशन में एक बहुत ही आ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो ऑप्टिमाइजेशन रिवॉल्व अराउंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के उदाहरण पिछले आ, आ, पिछले लेक्चर में देखे थे तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं मशीन लर्निंग के कंटेक्स में वही कुछ एक तरह से मॉडल के यू नो मॉडल के ऑप्टिमाइज़ेशन में मॉडल के पैरामीटर्स के ऑप्टिमाइज़ेशन में काम आते थे तो मॉडल पैरामीटर्स हम इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही ऑप्टिमाइज करते हैं ये हमने पिछले क्लास में देखा था तो मशीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आसपास होता है और हमें जनरली हमें या तो किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमा निकालना होता है या हमें किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा निकालना होता है यानी हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं x हमारा पैरामीटर है और हम कहते हैं कि भाई आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा निकालिए सब्जेक्ट टू ये जो एक्स ही किसी सेट में बिलोंग करता है किसी सेट का पार्ट है जैसे हमने पिछली बार देखा था उदाहरण के तौर पर कि आप इसे मैग्जीमाइज़ कीजिए सज दैट एक्स एक तरह का रियल नंबर का पार्ट है ये सेट छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है पूरा वेक्टर स्पेस हो सकता है कॉन्वेक्स हो, हो सकता है नॉन कॉन्वेक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन मुख्य हिस्सा जो इसका ये है कि हम किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं और ये जो फंक्शन जनरली होता है ये ये हमने पिछली बार देखा था कि ये जो फंक्शन है ये कोई एक फंक्शन आर डी टू आर होता है वेयर एक्स इज़ आर डी और ये फाइनली आपको रियल uh, वैल्यू देता है हमने इसके उदाहरण भी देखे थे जैसे पिछली बार हमने इसका उदाहरण देखा था लीनियर रिग्रेशन एक उदाहरण था आ, आ, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क के न्यूरल नेटवर्क दूसरा उदाहरण है जहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एक हाईली नॉन लीनियर फंक्शन होता है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं क्लासिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं रिग्रेशन करते हैं बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन अल्टीमेटली कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज करेंगे ये बेसिक हमारा मॉडल है और ये जो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन है उसी से ही हम मशीन लर्निंग के पैरामीटर्स पता लगाते हैं कि पैरामीटर्स क्या हैं हमारे तो जब हम हमने बहुत शायद 11, ट्वेल्थ में हमने पढ़ा भी है कि अगर हमें हमारे पास से ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफेक्स और हमें इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो हम आ, अगर आपको याद नहीं है तो उसमें कोई प्र... समस्या नहीं है लेकिन मैं फिर भी जिन्हें याद है उन्हें याद दिला दूँ फिर से कि हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं और उस ग्रेडियंट को हम ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और हम वो एक्स निकालते हैं सच दैट ये करीब करीब ज़ीरो हो जाए है ना तो बेसिकली ये ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है ग्रेडियंट निकाल के वो एक्स निकालना जो इस फंक्शन के ग्रेडियंट को ज़ीरो कर देता है ये ये स्टेप हमने याद किया था इनफैक्ट आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ़ेक्स मान लीजिए ये फंक्शन है एक्स माइनस टू का स्क्वायर और अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका मिनिमम क्या है तो आपके लिए बहुत आसान होगा बोलना कि इसका मिनिमम एक्स इजिकल टू टू है और वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम मैंने इसका इसका ग्रेडियंट निकाला और वो ग्रेडियंट यानी डेरिवेटिव जो है वो कुछ इस तरह आता है और जब मैं इसको ज़ीरो रख देता हूँ तो एम्प्लाइज की स्टार जो कि इसका मिनिमा या मैक्सिमा है वो दो पर है और और ये हम आसानी से देख भी सकते हैं कि ये जो x माइनस टू स्क्वायर है कुछ कुछ इस तरह दिखता है वाई इजिकल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर कुछ इस तरह दिखता है और ये जो मिनिमा है टू पर आता है और टू के ऊपर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं है ना तो तो ये ये बहुत ही आसान उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कि ऑप्टिमाइजेशन में यही मेन चीज़ है ग्रेडियट को जीरो कर देना किसी किसी तरीके से मैं मैं थोड़ा सा भी इसे जनरलाइज कर रहा हूँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़े जैसे कहेंगे आसान शब्दों में कह रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें छिप रही हैं लेकिन लेकिन अल्टीमेटली आखिर में हमें ग्रेडियंट पे ही आना है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको ग्रेडियंट की महिमा बता रहा हूँ कि ये ग्रेडियंट क्यों इम्पॉर्टेंट है क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों अहम है और इसे समन्धना क्यों अहम है यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम बड़ा आसान था यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर था एक्स एक एक रियल नंबर था ग्रेडिएंट लेना बड़ा आसान था पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड फंक्शंस होंगे इन रियल वर्ल्ड अवर फंक्शंस विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो फंक्शंस होंगे वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे जैसे फंक्शन जो होंगे वो पहली बात तो वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होंगे यानी कि उन फंक्शंस में इनपुट एक रियल नंबर नहीं जाएगा एक वेक्टर वैल्यूड एक वेक्टर वैल्यू जाएगी इसका मतलब इसका ग्रेडियंट जो है वो खुद एक वेक्टर होगा और इसी बात को हम समझेंगे कि ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू अ मेट्रिक्स कैसे निकालते हैं क्योंकि एक फंक्शन का इनपुट मेट्रिक्स भी हो सकता है जैसे न्यूरल नेटवर्क्स तो यही हमारी जो इस इस लेक्चर का जो मेन कंटेंट होगा वो यही होगा तो चलिए हम बात करते हैं तो आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि हाउ टू इसलिए हाउ टू कंप्यूट अ ग्रेडिएंट यानी हाउ टू कंप्यूट अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमारा जो है मेन एजेंडा रहने वाला है तो और स्पेशली फॉर अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्पेशली फॉर अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मतलब ये जो मैंने आपको यहां लिखा है वो फंक्शन जो कि इनपुट में डी डायमेंशनल वेक्टर देता है और आउटपुट में रियल नंबर देता है हालांकि ये ऐसा भी हो सकता है ये भी एक तरह का वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जो इनपुट में डी डायमेंशन इनपुट लेता है और आउटपुट में एम डायमेंशन का आउटपुट देता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल आउटपुट दे रहा है मल्टी डायमेंशनल इनपुट ले रहा है और मल्टी डायमेंशनल आउटपुट भी दे रहा है तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो यही हमारा मेन एजेंडा है हम इसी को समझेंगे तो पहले मैं आ, हमारे थोड़े पुराने रिवीजन में आ जाता हूँ कि हम जो साधारण फंक्शन है यानी कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट यूनिवेरिएट फंक्शन और इसका मतलब क्या होता है तो पहले मैं इसमें मतलब पे आता हूँ और उसके बाद हम 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 उसी मतलब को एक्सटेंड करेंगे जो हम स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं इसे इसे मैं स्केलर फंक्शन भी कह सकता हूँ हम जो स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं हम उसे वेक्टर फंक्शन में कैसे लेके आएंगे वही सेम मतलब निकलता है और हम उसी पे आएंगे तो, तो अगर आपको याद है मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है तो डी बाई डी एक्स और ये जो फंक्शन है ये स्केलर फंक्शन है यानी कि ये एक रियल नंबर लेता है और रियल नंबर आउटपुट में देता है तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स का मतलब अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह होता है मैं पहले लिख देता हूं और उसके बाद हम इसके मतलब पे आते हैं और और जिन्हें मतलब ये ध्यान नहीं है वो इसे याद करने की कोशिश करें कि हम ये कहते हैं कि हमारा एक फंक्शन एक्स है और अगर मुझे एक्स पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो मैं उस फंक्शन एक्स के एक्स पे वो उसका फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैसा है तो ये जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज मैं वो निकालूंगा रेट ऑफ चेंज मतलब कि फंक्शन अगर मैं एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दूँ यानी मैं एक्स के आसपास कहीं जाऊँ मैं अगर एक्स पे स्लोप निकालना चाह रहा हूँ तो मैं एक्स के आसपास कहीं जाऊँ तो जो फंक्शन का जो चेंज ऑफ वैल्यू है वो जैसा हो रहा है डिवाइडेड बाई एक्स का जितना चेंज है मतलब जो गति है फंक्शन के चेंज होने की जो गति है एक्स के हिसाब से वो मेरा स्लोप कहलाता है और उसी को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह दिखता है कि अगर मेरा मान लीजिए फंक्शन कुछ ऐसा है और ये मेरा एक्स है और अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स जाऊँगा ये मेरा ये जो मेरा पॉइंट है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और ये जो है मेरा फंक्शन चेंज है तो अगर मैं इस, इस चीज़ को थोड़ा और जिसे हम कहते हैं ज़ूम कर लूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छे कलर्स के साथ समझाने की तो ये मेरा x है ये मेरा x प्लस डेल्टा x है यानी मैंने x x के आसपास हल्का सा फंक्शन जो है इवेल्यूएट किया मैंने देखा कि भाई x में मैं अगर खड़ा हूँ तो x के आसपास के फंक्शन वैल्यूज़ क्या हैं और जो फंक्शन वैल्यूज़ उसके आसपास हैं वो जो रेट ऑफ चेंज है वो मैं निकालना चाहता हूँ तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और ये जो हमारा है ये जो वैल्यू है वो है वो है एफ ऑफ एक्स और ये जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वो ये है तो हम हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये रेट ऑफ चेंज है माफ कीजिएगा ये ये एक्स का चेंज है और ये वाई का चेंज है यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का चेंज है ये जो चेंज है वो ये है ये जो डिफरेंस है जो फंक्शन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ये है और जो एक्स का जो डिफरेंस है वो ये है तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हम निकालना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई अब हम एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो गैप है हम उसको कम करते जाएंगे हम उसको और छोटा करते जाएंगे हम उसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करते जाएंगे और इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट जो ली है उसमें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिया है क्योंकि हमें केवल एक्स पे मतलब है हमें एक्स पे मतलब है का मतलब है कि हम एक्स से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए ठीक है तो ये जो रेट ऑफ चेंज है इससे ये जो लाइन है ये जो आप इसे ये जो आपको चेंज दिख रहा है फंक्शन का जितना एक्स छोटे जितना एक्स के हम आसपास आते जाएंगे मतलब डेल्टा एक्स जितना छोटा होते जाएगा ये लाइन ये जो पूरा कर्व है ये लाइन में कन्वर्ट होती जाएगी इसलिए जो रेट है ये जो रेट ऑफ चेंज है वो केवल उस लाइन का स्लोप हो जाएगा उस लाइन का जो हम एम है वो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा और इसी को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं इसी को हम डेरीवेटिव कहते हैं तो ये तो ये जो चेंज है केवल एक दिशा में है चाहे मैं एक्स में यहाँ जाऊँ चाहे मैं एक्स में इस साइड जाऊँ ये रेट ऑफ चेंज दोनों ही बराबर होना चाहिए और अगर ऐसा है तो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे इस अभी पूरे डिस्कशन में कि सारे हमारे फंक्शन डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबल हैं यानी कि उनका रेट ऑफ चेंज दोनों ही डायरेक्शन में चाहे मैं यहाँ से आऊँ चाहे मैं यहाँ से आऊँ चाहे मैं x से एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जाऊँ चाहे मैं x से एक्स माइनस डेल्टा एक्स में जाऊँ चेंज जो है वो करीब करीब बराबर है करीब करीब बराबर नहीं एक्जैक्टली बराबर है माफ़ कीजिएगा तो ये ये है डिफ्रेंसीशन का मतलब सिंगल वेरिएबल में अब जब हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो चेंज जो होता है वो बिल्कुल वही होता है अब हमारे पास जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है वो कुछ इस तरह हो सकता है कि मेरे पास एक एक लाइन है मतलब मेरे पास एक माफ कीजिएगा मेरे पास एक थ्री डी स्पेस है कुछ इस तरह और वहाँ मेरा फंक्शन कुछ ऐसा बदल रहा है तो मेरे पास तीन वेरिएबल है एक्स और वाई और जेड है ना तो रेट ऑफ चेंज एक्स की दिशा में भी हो सकता है रेट ऑफ चेंज वाई की दिशा में भी हो सकता है और रेट ऑफ चेंज जेड की दिशा में भी हो सकता है यानी एक्स में भी हो सकता है वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है तो इस तरह हम किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताओ इस डायरेक्शन में तो आप उस डायरेक्शन को एक्स और वाई और जेड के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्योंकि आपको अगर याद होगा हम बेसिस की हमने बात की थी और थ्री डायमेंशन में या एन डायमेंशन में जो बेसिस हैं हमारे वो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है वो बेसिस का, का काम करते हैं तो तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज किसी भी डायरेक्शन में हम इवेल्यूएट कर सकते हैं अगर हमें एक्स में अगर हमें एक्स में वाई में और जेड में तीनों में रेट ऑफ चेंज पता है तो तो कहने का मतलब यह है कि पार्शियल डेरिवेटिव या अगर मैं इसे बोलूं डेरिवेटिव ऑफ अ वैल्यूड फंक्शन यानी मेरे पास एक फंक्शन है जो कि आरडी से आर इनपुट लेता है आरडी इनपुट लेता है और आर देता है तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह है कि ये इसके पास इनपुट में डी वेरिएबल्स हैं और आउटपुट में वो मुझे एक रियल नंबर दे रहा है वाई है ना तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ दैट फंक्शन है ये एक अब एक वेक्टर बन गया यानी यानी अभी तक हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था अभी तक ये जो रेट ऑफ चेंज था वो केवल एक डायरेक्शन में था बट चूंकि अब हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जो कि कई डायरेक्शन से इनपुट ले रहा है x1, x2, xd, d एक्स डी इनपुट्स ले रहा है तो हमें जब रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव एक तरह का वेक्टर हो जाएगा और उस वेक्टर का एक एक कंपोनेंट जो होगा वो उस डायरेक्शन का स्लोप बताएगा ठीक है वो उस डायरेक्शन का स्लोप बताएगा तो तो अब मैं अगर डी एफ बाय डी एक्स बोलूं तो इसे अब हम कुछ इस तरह लिखेंगे ग्रेडियंट हम बोलेंगे यानी डेरिवेटिव बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये अब एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा जहां पे इस वेक्टर का हर कॉम्पोनेंट जो होगा वो उन डायरेक्शंस में फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हुई है वो बताएगा यानी कि वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा और इसका हम उदाहरण अभी देंगे मैं पहले आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि अब हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जो जो हमारा वैक्टर वैल्यूड फंक्शन है अगर मैं एक एक्स पे खड़ा हूँ और वो जो एक्स है वो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ तो ओरिजिन मतलब जीरो 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 है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं पता लगाऊँ कि ओरिजिन के आसपास फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि ओरिजिन से मैं जो अगर एक्स की दिशा में जाऊँ तो फंक्शन बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है लेकिन अगर मैं वाई की दिशा में जाऊँ तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है और हो सकता है कि मैं मैं वाई की दिशा में जाऊँ तो फंक्शन ज़्यादा चेंज हो रहा है और एक्स की दिशा में फंक्शन कम चेंज हो रहा है तो यानी अलग अलग डायरेक्शन में फंक्शन का चेंज अलग अलग है तो मैं किसी भी आर्बिट्ररी दिशा को आर्बिट्ररी वेक्टर को मैं एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकता हूँ तो मैं अगर मुझे एक्स का चेंज पता है और मुझे वाई का चेंज पता है तो जो कोई भी एक डायरेक्शन है जिसको हम आ, आगे चल के जिसको हम डिफाइन भी करने वाले हैं आ, उस चेंज को जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे मतलब किसी डायरेक्शन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है तो हम उसकी बात करेंगे तो उस किसी भी डायरेक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हम इन डायरेक्शन के चेंज के हिसाब से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा मैंने चेंज किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको चेंज समझ में आ गया होगा ये जो मैंने डी की जगह डो लिख दिया है दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव और मैं पार्शियल डेरिवेटिव का आपको मतलब अभी बताता हूं तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव यानी ये कह रहा है कि भाई मुझे अगर मुझे x की दिशा में x1 की दिशा में चेंज निकालना है तो मैं बाकी वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट रखूंगा और केवल x की दिशा में चेंज निकालूंगा और जो सिंगल वेरिएबल का जो हमने डेफिनेशन देखा था उसका मतलब वही एक्जैक्टली exactly वही हो जाएगा तो मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव एक पार्शियल डेरिवेटिव लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि Uh, बाकी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डो ऑफ डो एक्स वन ऑफ एफ इस बेसिकली अब मैं एक्स वन पे खड़ा हूँ और मुझे केवल एक्स वन का चेंज निकालना है तो मैंने बाकी लोगों को कांस्टेंट रखा बाकी लोगों को मुझे कांस्टेंट रखना है और ये जो चेंज है वो कुछ इस तरह है एच लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो यानी मैंने केवल x1 को यहां पे हल्का सा चेंज किया है मैंने बाकी को कांस्टेंट रखा है ये सब कांस्टेंट है और और मैंने उस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द फंक्शन मैंने स्लोप इन दैट डायरेक्शन इन x1 डायरेक्शन निकाला ठीक उसी तरह d/d ऑफ d/dx2 ऑफ fbc होगा x3 bc होगा और xdvbc होगा तो इन सब को अगर मैं एक-एक पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं और सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स को मैं एक के ऊपर एक सजा दूं मतलब ये पहला पार्शियल डेरिवेटिव ये दूसरा डी डीएत पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये मेरा पूरे फंक्शन का ग्रेडियंट बन जाता है तो ध्यान में रखने वाली बात यही है और इसी इसी बात पे ही मैं फोकस करूंगा कि जो मेरा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन के सारे डायरेक्शंस में जो उसका डेरिवेटिव है उसका वेक्टर है ठीक है तो मैं आप आपके लिए ये एक, एक बार लिख देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज बेसिकली डी बाई डी एक्स वन ऑफ एफ से लेकर डी बाई डी एक्स टी ऑफ एफ हो जाता है एंड दिस ग्रेडियंट इज अ वेक्टर ऑफ डायमेंशन डी क्योंकि हमारा जो वेक्टर क्योंकि जो, जो हमारा इनपुट है वो डी डायमेंशन में है और हमें उस इनपुट उस इनपुट के सारे डायरेक्शन सारे डायमेंशन में डेरिवेटिव निकालना है ठीक है तो ये ये आइडिया है आ, हमारे फंक्शन का और मैं आपको एक बहुत ही जल्दी से एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए तो मान लीजिए हमारा फंक्शन तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू क्यूब है तो ये आप देखिए कि ये फंक्शन जो है पहली बात ये आर टू से आर फंक्शन है ठीक है यानी इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स वन और एक्स टू लेकिन एक आंसर आता है रियल नंबर तो जैसे हमने देखा था ये जो फंक्शन है इसका जो ग्रेडियंट है द ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वेक्टर होगा टू डायमेंशन का वेक्टर होगा एक्स वन x2, एक्स टू वो कुछ इस तरह निकलेगा डी बाई डी एक्स वन ऑफ एफ एंड डी बाई डी एक्स टू ऑफ एफ और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसे वीडियो को रोकें और खुद से निकालने की कोशिश करें और आप आंसर तो देख ही सकते हैं तो d बाई डी एक्स वन ऑफ एक्स तो चूँकि हमें d बाई डी एक्स वन ऑफ एफ चूँकि हमें x2 और सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट रखते हैं केवल x1 चेंज करना है तो ये हो जाएगा टू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू क्यूब और डी बाई डी एक्स टू ऑफ एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन एक्स टू स्क्वायर चूँकि डी बाई डी एक्स वन ऑफ एक्स वन टू एन होता है एन एक्स वन टू दावर एन माइनस वन ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पुराना कैलकुलस याद है जो आपने स्कूल में पढ़ा था तो ये जो है ये हमारा जो आ, ये जो उदाहरण है ये हमारा एक तरह से आपका पहला ग्रेडियंट हमें मिल गया है है ना मैं फिर से बता दूँ ये फंक्शन आर टू से आर है और हम इसका ग्रेडियंट आर टू में निकालना चाह रहे हैं हम दोनों दिशाओं में इसका चेंज निकालना चाह रहे हैं दिस इज द रेट ऑफ चेंज एक्स x1 डायरेक्शन एट पॉइंट x1 x2 ठीक है और वैसे ही ये स्लोप है इन x2 टू डायरेक्शन एट एक्स वन एक्स टू तो ये हमारा आपका पहला ग्रेडियंट आपको मिल चुका है और आज की हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं अगली क्लास में हम और कॉम्प्लिकेटेड ग्रेडियंट्स देखेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के हम चेन रूल पे भी आएंगे और मिलते हैं अगली बार